तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आपके पास में भी एक कोई फेसबुक पेज है जिसको आप यूज नहीं करते हैं और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो उसका मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली कि वो सर्च करने पर भी एग्जिस्ट ना करे। तो उसका मैं कंप्लीट जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल आप सभी लोगों के लिए बढ़ता रहे और हम आप सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप अपने फेसबुक पेज को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपका फेसबुक एप्लीकेशन कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 लाइंस का, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेल आइकन का, उसके बगल में आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी पेज बने होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद में जितने भी आपके पेज होंगे और जो आपका मेन अकाउंट होगा वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो जो भी पेज आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि वो पेज आपका स्विच हो रहा है। स्विच हो जाने के बाद में आपका अकाउंट देखेंगे कि आपका फेसबुक पेज यहाँ पर लॉगिन होके आ गया है, स्विच हो गया है। अब इसको आप डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 लाइंस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। सबसे नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपके सामने फिर से खुल के आ रहा है। यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेज सेटिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जैसे आप पहुंचेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा पेज लोड होगा। लोड हो जाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिलीटेशन एंड यहाँ पर डीएक्टिवेशन का, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पर आप चाहें तो इस पेज को डीएक्टिवेट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, और अगर चाहें तो परमानेंटली आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक रीज़न पूछा जाएगा कि आप अपने इस अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो आप जो भी आपका कोई रीज़न हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो जैसा कि हम यहाँ पर कोई रीजन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि अगर आप इस पेज का कोई भी डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में अब आपसे यहाँ पर आपके अकाउंट का पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिलीट कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आप अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।